सारे जानवरों और पक्षियों की आवाज़ सुन पा रहे हो. यू नो वॉट, आई एम नॉट नियर माई होम राइट नाउ. आई हैव कम टू कबन पार्क टूडे. एग्जैक्टली नॉट यूपी सिटी, वो पीछे वाला है यूपी सिटी आपको जो वहाँ दिख रहा है. बट दिस इज द एंट्री वेयर आई हैव बीन आस्क्ड टू कम एंड इट्स नॉट जस्ट मी हु इज हियर टूडे. मेरा पूरा ही कजन गैंग आ रहा है आज. हेलो यू ऑल एंड वेलकम टू टूडेज व्लॉग. इज डे टू ऑफ द 30-day चैलेंज दैट आई हैड थॉट ऑफ एंड ऑल्सो इट्स अ संडे. तो कल शाम को अचानक से प्लान बना था व्हाट्सएप हम लोग का एक ग्रुप है कि चलो चलो कल वहाँ चलते हैं. सो आकाश भाई इज गोइंग टू गेट छोटी एंड कम एंड बाकी सब अपने अपने रास्ते में हैं. ओनली आर्यमन इज नॉट कमिंग एंड बाकी सब तो पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में. आई एम द फर्स्ट वन टू रीच एंड गेस वॉट, बींग इन बैंगलोर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैव नेवर बीन टू कबन पार्क. कैन यू इमेजिन दैट? मैंने लालबाग गया बट मैंने कबन पार्क में कभी नहीं आई. तो मैं अभी सबसे पूछते हुए मतलब कजन्स लोग से पूछते हुए आ रही थी कि कौन सा रूट लेना है एंड हाउ डू यू यू नो रीच दिस प्लेस. एंड मुझे लग रहा है मैं ही बोंदू हूँ जो मैं अभी तक यहाँ नहीं आई थी बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं एंड दिस प्लेस इज सुपर ब्यूटीफुल. मतलब यहाँ देख रहे हो हरियाली हरियाली एंड ऑल आई कैन सी हर दो मिनट में ना वहाँ से कोई जॉग करता हुआ आ रहा है. एंड ऑल्सो संडेज़ को यहाँ पे एक अलग चीज़ है. संडेज़ को देर आर पेट्स अलाउड हियर. सो टीटू भैया हैज़ 3 पेट्स बट अभी वो 2 को लेके आ रहे हैं. ही इज़ रनिंग अ लिटिल लेट. I am also excited to see Choti because I've not seen her for a long time. Say hi. So you are not updated but today our vlog is going live. So basically from yesterday I have started a 30-day challenge and today is my day 2 of losing weight. Guess what? Where am I doing it? In Cobham Park. And there's Akash भैया. वो तो कुछ एक्स्ट्रा लेवल का फिट है. ठीक है, वो संडे को 8-9 किलोमीटर भाग जाते हैं. He's already done 8 kilometers. I've done some 400 meters. Actually, he is following up with Anshul because वो इन दोनों को तब से भगा रहा है. That man, he first told us he's outside. So we're like, okay, stay outside. We'll come there. We'll get you. When we got outside, he's like, no, I'm inside. I already walked in. We're searching inside from 2 minutes. 2 minutes like, आधी घंटा हो चुका है. We can't find them. हम लोग का भाई खो गया है. The last time we were in Lal Bagh, our parents got lost. What is this man? He's studying to be an engineer and he's lost at Cobham Park. Like how do you make sense of that? पहले उसने बोला कि मैं लाइब्रेरी के पास हूँ. In the same sentence, right after 5 seconds, he's like, actually, I'm near the High Court. High Court. I was like, how do you travel so fast? Your hair is going to start falling out. It's terrible. It's turning grey. Look at that आदमी. Which gate to come? He told you also which gate to come. Yeah, yeah. But then he came at the wrong gate. I forgot the gate. He's Romeo. No. He's Romeo. Olive. Oh, boy, Olive. Yeah. Olive is the new one. Yeah. Why does Olive look bigger than Romeo? Yeah. Is it? Imagine uska papa hai ye. Yes. Exactly. Oh, this is the dog park at Cobham Park. And यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह आपको डॉग्स डॉग्स डॉग्स. ओ भाई साहब, ट्रिप हुआ हमारा खत्म कबन पार्क का. नाउ वी हैव कम टू दिस प्लेस विच इज एयरलाइंस. वैसे बैंगलोर में ये काफी फेमस है. गेस वॉट, हम यहाँ पे भी नहीं आए हैं और इन दोनों को हम छोड़ के जा रहे हैं अंदर. यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा खिड़की खोल दिया है ताकि इन लोग को ब्रीदेबल रहे. आकाश भैया एंड पंकु आर ऑलरेडी हियर. कहाँ है वो लोग? तुम लोग बैठ के खाएगा, यहाँ खाएगा, कड़ा चलेगा. हाँ. गाड़ी में सब होता है. ओ, गाड़ी में सब होता है. हाँ. तो बाहर खड़े होके खा है ना बस. सृष्टि, व्हाइल दिस गाइस आर बेल्टिंग डोसास, देन मुझे बहुत वो लग रही है. दिस इज व्हाट आई एम हैविंग. इडली. हां, या I told my dietitian right now that I'm having idli and she's like, please don't have more than 2 idlis and have oats and fruits. I'm like, yeah. हम लोग ना आधी घंटा से यहाँ पे खड़ा इसी पोज में and waiting for someone to come and take a picture. सर सुन ही नहीं रहे हैं. सर को फर्क ही नहीं पड़ रहा. गोदी में दर्द हो जाएगा इन लोग के. कोई तो फोटो ले लो. Good. No. It was good meeting you all after long time. Bye bye, Pichu. अगले बार अभिनीत को भी लेके आना. Yes. Hey, do that.
पहनो उसको लग रहा है हेलमेट में क्रिंजी लग रही है आई एम बैक होम. आते ही सबसे पहले मैंने नहा लिया भाई. आई हैव टेकन हेड बाथ बिकॉज कल भी मैं बाहर गई थी तो बहुत पसीना पसीना हो गया था सर. एंड मोटे इज हियर. कल का इनका राइड इनको इतना ज्यादा भारी टाइप पड़ गया है ना कि अभी 12:30 बज रहे हैं और ये अभी तक बेड ही पे हैं ना. कल वीडियो सॉरी कल ये गए थे ट्रैक पे मेरे बिना. तो ये लोग गए थे कौन सा फोर्ट गए थे मोटा? गुद्दी पेंडे फोर्ट गए थे ये लोग कल. ठीक है, ट्रैक इन्होंने शुरू तो की थी बट वो फोर्ट इतना ऊंचाई में था ना कि इन लोग का पहले ही गिव अप हो गया. तो इसलिए इसने ना ये वाला वीडियो बनाया था. तो ये दिख रहा है, ये अगस्त्य ने बनाया था. अगस्त्य और यही गए थे वो फोर्ट देखो, जबकि ये जूम में था. ठीक है, और ये This is where we are. हाँ ये. That's the view. जोश जोश में साला फोट चावा रहा था उतना भारी गियर के साथ कुछ सो गया और मैं भी सोया हुआ फोट उधर किधर. एक और था जिसमें ना अगस्त्य देख रहा है ऊपर कि भाई कितना दूर है. ओ इन्होंने बिना बोले इसमें बोला, बहुत कुछ बोला है देखना. ये अगस्त्य का मुंह ही बता रहा है. ये रहा मेरा आज का लंच विच इज वन बोल ऑफ वेज सूप. वैसे दिखने में अभी सन में कितना प्यारा लग रहा है, असली में उतना नहीं है. वैसे इसको मैंने घर पे बनाया है, मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बना के दिया. गाजर है इसमें, कैबेज है इसमें, टमाटर है इसमें, एक छोटा सा अदरक है, एक हरी मिर्चा थी और उसको पानी में उबाल दिया, मतलब एक सीटी डलवा दी थी. और उसके बाद ऊपर से मैंने उसमें पेपर डाला है. अगर आपको और टेस्ट एनहांस करना है तो आप ऐसे बटर डाल सकते हो, बट मैंने बटर नहीं डाला. इट्स एक्चुअली अ नाइस सूप, नॉट टू बैड. बट हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे हाँ रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा तो हाँ वो चीज़ नहीं है, बट बहुत ही हेल्दी और बहुत ही नेचुरल, ईजी अवेलेबल ऑप्शन एट होम जो है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. जस्ट कम्प्लीटेड अ शूट फॉर लॉरियल, इट्स 3 एंड उसके साथ साथ मुझे फिर से लग गई है भूख. सो हियर एप्पल दैट आई एम हैविंग, इसको मैंने चार चार भाग में काट लिया है बिकॉज मुझे चेक करना था. लास्ट टाइम स्विगी से मैंने मंगाया था और जैसे ही मैंने एप्पल काटा पूरा का पूरा एप्पल सड़ा हुआ था अंदर से, इसीलिए मैंने सोचा भाई सॉरी इसलिए मैंने सोचा कि काट लेते हैं, कम से कम ये तो रहे कि अंदर में सही है या नहीं है. ऑल्सो मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी डिजीनेस हो रही है एंड आई थिंक कि मे बी इट्स बिकॉज आई एम ईटिंग लेस तो मुझे इफेक्ट कर रहा है, जो भी हो पता नहीं. बट इन द इवनिंग आई हैव टू गो एंड प्ले गरबा बिकॉज आज प्लान है मेरा ट्विंकल और ट्विंकल के सारे कजन्स का कि हम लोग आज जाके गरबा खेलेंगे. सो दैट इज़ वन रीज़न दैट आई वॉन्ट टू ईट बिकॉज शाम को मैं नहीं चाहती कि मेरा एनर्जी कम हो जाए एंड आई रियली वॉन्ट टू एंजॉय बिकॉज आज ऑलरेडी अष्टमी हो चुका है. शाम के बज रहे हैं 5 और अभी पीने के लिए मैं ले रही हूँ ये ग्रीन टी विथ कैमोमाइल. यू मस्ट हैव सीन मी टेकिंग दिस अ कपल ऑफ टाइम्स. और साथ में मैं ले रही हूँ ये ड्राई फ्रूट्स का छोटा सा कटोरी जिसमें है आलमंड्स, पिस्ताशियोज जो आपने डेवन में देखा होगा, और अखरोट. एंड आई एम ऑल रेडी टू गो, दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग. वैसे मेरे पास घाघरा तो था नहीं तो मैं इसी में काम चलाऊंगा अपना. एंड ट्विंकल लोग निकल गए हैं घर से, मैंने नीचे बना लिया ड्राइव्यू तो अभी निकलते हैं एंड लेट्स रीच. अभी हम लोग को पहुंचने में 1 घंटा आराम से लगने वाला है. अभी लाइट ढंग से दिखेगी नहीं बट प्लान आज का कुछ ऐसा था कि सुबह था कि मेरा कबन पार्क में मेरा वर्कआउट हो जाएगा और शाम को ये था कि मैं वर्कआउट करने नहीं जाऊंगी बट मैं गरबा खेलने जाऊंगी ताकि जो भी कैलरीज है वो तो डांस कर करके वैसे ही निकल जाएगी. बिकॉज माय इंस्ट्रक्टर हैड ऑल्सो टोल्ड कि शाम को तुम जुम्बा करना, तो जुम्बा नहीं करके हम आज जा रहे हैं गरबा करने. सो वी आर गोइंग टू पैलेस ग्राउंड. प्लस हम लोग क्या टाइम चूज करके जा रहे हैं, आज है संडे और आज है अष्टमी तो आज भर भर के भीड़ होने वाली है. वी हैड टू लीव अर्ली बट फिर कुछ 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 करके कि नहीं पहले ये का पहले वो, बीच में हमारा प्लान भी कैंसिल हुआ बिकॉज ट्विंकल वॉज नॉट कीपिंग वेल. फिर वो घर गई बिकॉज शी हैड शी वॉज इन द स्टोर. तो मतलब बहुत डिले चल रहा था बट वी आर गोइंग राइट नाउ. आई होप कि हमें टिकट मिल जाए, हम एंटर कर पाएँ एंड आई होप कि हमें ढंग से गरबा करने मिले. यार वैसे दिख तो रहा नहीं, मैं किससे ही बात कर रही हूँ. पहुँच गए हूँ हम लोग गायत्री विहार गेट नंबर 4 विच इज इन पैलेस ग्राउंड्स. और ये दिख रहा है आपको कितनी ज़्यादा लाइटिंग, कितने अच्छे से सजा हुआ है. यहाँ पे भीड़ भी उतनी है, बाहर का ट्रैफिक का मैं वो लेना भूल गई वीडियो, बट बहुत भीड़ आई हुई है. अभी तो सिर्फ 9 बजे और अभी यहाँ पे लोग आना शुरू हुए हैं. मतलब जितना जितना टाइम होता रहेगा और लोग बढ़ते रहेंगे और मज़ा आता रहेगा. अभी तो ये सिर्फ पार्किंग में इतना क्राउड है, आगे जाके और पता चलेगा कितना क्राउड आया है. Thank you.
हमारा अभी एक राउंड ऑफ गरबा खत्म हुआ है, अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी डांडिया शुरू होगा, उसमें समय है। बट भाई लुक एट द क्राउड, और इवन लास्ट टाइम याद नहीं है मुझे यार, 800 रुपए में खाना भी है, मुझे पता नहीं था इसमें। बाप रे, लुक एट द स्प्रेड। यहाँ पे हम लोग का खाना मिल गया है मेरा, ये स्प्राउट्स का सलाद, और वहाँ पे और कुछ है, खीरा वीरा, मतलब ये पूरा अच्छा क्या है, सीजर सैलेड, सेम बात, चना का सलाद। ये खाया हुआ है तो मेरे को पता है कि ये टेस्टी रहेगा। नो नॉट दैट, दैट हैज क्रीम, इट्स गुड, बट टेक दैट वन। हाँ, हो गया मेरा डिनर का इंतजाम। ये नहीं बताऊंगा मैं कि मैंने इससे पहले जलेबी खाई। हम लोग निकल रहे हैं, वो रहा पीछे अपना जो लोकेशन था जहाँ आए थे खेलने के लिए। अभी आपको अंधेरा दिख रहा होगा, बट भाई साहब हमने इतना खेला, इतना खेला, इतने पसीने बहाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही क्यों आई हूँ, मुझे शायद 9 दिन आने चाहिए थे तो मेरा वेट ऐसे ही कम हो जाता। बड़ा बहुत मजा आया, एंड आई ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स। अभी घर चलते हैं, इट इज़ एक्चुअली 12:07 राइट नाउ, पक्का अभिनीता मम्मी सो चुके होंगे, एंड जाके फटाक से फ्रेश होंगे और उसके बाद एक बार वेट चेक करेंगे कि भाई आज हम कहाँ हैं, एंड उसके बाद वील एंड द व्लॉग। ओके, आई हैव जस्ट कम, बट दोनों सो रहे हैं इसलिए मैं आस्ते बात कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर एंड ड्रेस चेंज करके आई विल चेक माई वेट एंड देन स्लीप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते, जय।